हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे घर के लिए इस तरह का एक इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड कैसे बनाते हैं। इस तरह के इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड में हमारा हर तरह का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे जो प्रोटेक्शन डिवाइस होता है MCB वो भी है यहाँ पे। किट कार्ड फ्यूज है जो मेन लाइन के लिए प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, पैनल इंडिकेटर है, चेंज ओवर स्विच है जिससे जनरेटर और मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई को चेंज करके यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को दिखलाया गया है, बताया गया है इस बोर्ड को कैसे बनाते हैं, कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं इस बोर्ड को कैसे बनाएं, कनेक्शन वायरिंग कैसे करें, घर के लिए एक इलेक्ट्रिक अच्छा मेन बोर्ड कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो को A to Z कम्प्लीट पूरा जरूर देखिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक बोर्ड है और इस बोर्ड पे जो भी मटेरियल्स हैं सबको हमने फिटिंग कर दिया है स्क्रू के द्वारा, बहुत से वीडियो में मैंने दिखलाया हुआ भी है। तो यहाँ पे जैसे हमारा 4 किट कार्ड फ्यूज है, एक हमारा 4-way MCB बॉक्स है जिसमें 3 और 4 MCB लग जाता है, और ये 1-way MCB बॉक्स है जिसमें 1 और 2 MCB लग जाता है, और ये है हमारा चेंज ओवर स्विच है, और 3 हमारा पैनल इंडिकेटर है। जैसे येलो जो है वो जनरेटर पावर सप्लाई पे चलेगा, रेड जो है मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई पे चलेगा, और ग्रीन उस समय चलेगा जब हमारा इस बोर्ड से पावर सप्लाई आउटपुट हो जाता है। यहाँ पे 10 mm का हम वायर लिए हैं क्योंकि यहाँ पे 63 ampere का हमारा किट कार्ड फ्यूज है। तो जब 63 ampere का जब मेन हमारा जब लगता है किट कार्ड फ्यूज या DPMCB, तो वहाँ पे 10 mm का वायर लेना ज़रूरी होता है, तब जाके वो प्रॉपर तरह से काम करेगा। तो रेड हमारा फेज लाइन के लिए है और जो ब्लू है वो न्यूट्रल लाइन के लिए है। अगर आपका ब्लैक कलर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस दोनों किट कार्ड फ्यूज में हम कनेक्शन इसका कर देंगे। सबसे पहले वायर को छील लेंगे अच्छी तरह से, जैसे कि यहाँ पे वायर को हम छील ले रहे हैं, और वायर थोड़ा सा लंबा छीलेंगे जितना हमारा स्क्रू, यहाँ पे जैसे 2 स्क्रू है तो थोड़ा लंबा जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं, बस इसके अंदर फिट हो जाए हमारा। अब जैसे ये न्यूट्रल लाइन का हम कनेक्शन कर रहे हैं नीचे वाले किट कार्ड फ्यूज में, और ऊपर वाला जो हमारा किट कार्ड फ्यूज है उसमें फेज लाइन का कनेक्शन करेंगे। जो वायर यहाँ पे लंबा होगा उसको बैक साइड रिवर्स ले लेंगे, जैसे हम रिवर्स ले लिए, इसी तरह से अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे ये फेज वाला वायर और फिर यहाँ पे स्क्रू के थ्रू कस देंगे। यहाँ पे पूरी तरह से फुल टाइट होना चाहिए, किसी भी तरह का लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो हीट होके गर्म होगा और बाद में जल जाता है, ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे वायर ये लंबा है, इसको बैक साइड रिवर्स ले लेते हैं और इस दोनों वायर को लेकर के चलेंगे चेंज ओवर स्विच में। ये हमारा किट कार्ड फ्यूज से चेंज ओवर स्विच में आएगा जो जनरेटर पावर सप्लाई के लिए है, और इसको राइट साइड हम कनेक्शन कर रहे हैं। राइट साइड जब चेंज करेंगे तब जा करके हमारा जनरेटर लाइन चालू होगा। लेफ्ट साइड अगर करते तो लेफ्ट साइड हमारा इंडिकेटर है वो सही होता, लेकिन यहाँ पे पार्टी का रिक्वायरमेंट है कि नहीं, राइट साइड जहाँ पे बोर्ड लग रहा है उसके हिसाब से उनको समझ में आ रहा है कि इधर से हमारा लाइन आता है, इधर से जनरेटर आता है, इसलिए किया जा रहा है। तो कुछ काम पार्टी के रिक्वायरमेंट से ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे न्यूट्रल लाइन का हम कनेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, और इसमें 3 पॉइंट है चेंज ओवर स्विच में, 3 इनपुट 3 आउटपुट के लिए, लेकिन 2 ही पॉइंट हम यूज कर लेंगे, जैसे एक न्यूट्रल, एक फेज, एक स्पेयर बीच में हम छोड़ देते हैं, कोई भी पॉइंट आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो वायर हमारा यहाँ पे लंबा है उसको बैक साइड हम रिवर्स ले लेंगे और पीछे हम बोर्ड में निकाल लेंगे। तो इस वायर को इस तरह से बैक साइड कर लिया, अब इस साइड से हम खींच लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये वायर हमारा इस तरह से निकल जाएगा। वायर निकलने के बाद क्या करेंगे, अच्छी तरह से वायर को दबा देंगे, किसी भी तरह के कवर में हमारा टच नहीं होना चाहिए, इसलिए ज़रूरी होता है। अब बैक साइड हम कर लेते हैं, बोर्ड को यहाँ पे हम पलट लेंगे। तो ये वायर हमारा रिवर्स आ गया, अब चलिए बोर्ड को पलट लेते हैं। अब यहाँ पे 2 वायर लेंगे येलो कलर का, आप कोई भी कलर का वायर ले सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरह से समझ में आए इसलिए कलर बाई कलर लिए हैं। येलो कलर के इंडिकेटर में हम कनेक्शन कर लिए, इस दोनों वायर को छील लेंगे, और जो 2 वायर हमारा किट कार्ड फ्यूज से चेंज ओवर स्विच में गया है न्यूट्रल फेज, उसी दोनों वायर में एक एक वायर को हमको कनेक्शन कर देना है ताकि इस इंडिकेटर को पावर सप्लाई लाइन मिल जाए। यहाँ पे जोड़ लिए हैं, जोड़ने के बाद अच्छी तरह से टेप लगा दिए हैं, उसी तरह से न्यूट्रल जो वायर है उसमें दूसरा वाला वायर जो है इसको भी जोड़ लेंगे अच्छी तरह से, जोड़ने के बाद इसके ऊपर भी टेप लगा देंगे। तो ये इंडिकेटर में भी हमारा कनेक्शन हो गया जनरेटर पावर सप्लाई का। उसके बाद फिर 2 वायर लिए हैं और दोनों वायर को किट कार्ड फ्यूज में हम डाल रहे हैं। जो किट कार्ड फ्यूज है मेन हमारा पावर सप्लाई गवर्नमेंट का आएगा, उस लिए इस दोनों फ्यूज को लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे फेज वायर का हम कनेक्शन कर लिए, इसी तरह से न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर लेंगे, और जो वायर हमारा यहाँ पे लंबा है उसको बैक साइड रिवर्स कर लेंगे, यानी खींच लेंगे, जैसे इस वायर और इस दोनों वायर को खींच लिए, और फिर इस दोनों वायर को लेकर के चलेंगे चेंज ओवर स्विच में।
और चेंज ओवर स्विच में यहाँ पे लाएंगे, बस यहाँ पे कनेक्शन करेंगे ध्यान से, जिस साइड हमने फेज किया है जैसे ऊपर वाला पॉइंट है तो सामने फेज करेंगे। अगर यहाँ न्यूट्रल कर देंगे तो एक लाइन हमारा उल्टा हो जाएगा, एक में फेज आएगा एक में न्यूट्रल आएगा, तो इसलिए जरूरी होता है सामने सामने कनेक्शन करना। तो ऊपर हमारा फेज हो गया, नीचे हम न्यूट्रल किए थे तो न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल कर देंगे। तो ये हमारा चेंज ओवर स्विच में मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई का इनपुट हो गया। अब उसके बाद फिर दो वायर लेंगे और जो रेड कलर का पैनल इंडिकेटर है इसके अंदर दोनों वायर को कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि इंडिकेटर में न्यूट्रल फेज दोनों लाइन चाहिए इसलिए दो वायर है। उसके बाद यहाँ पे जो वायर है हमारा मेन लाइन का किट कट फ्यूज से चेंज ओवर स्विच में जा रहा है, उस दोनों वायर को छीलेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे वायर को लेंगे इंडिकेटर दोनों वायर को और एक एक वायर को यहाँ पे जोड़ करके टेप लगा देंगे। तो यहाँ पे जो रेड कलर का पैनल इंडिकेटर है उसमें हमारा इंडिकेटर का लाइन मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई वायर से मिल गया। इसके बाद फिर बोर्ड को हम सीधा कर लेंगे और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे दो येलो कलर का वायर जो 4mm का है और यहाँ पे इस वायर को छीलेंगे, दोनों वायर को आपस में जोड़ लेते हैं। दोनों वायर को आपस में जोड़ने के बाद यहाँ पे जो चेंज ओवर स्विच से आउटपुट हो रहा है, जो फेज लाइन आउटपुट होगा वहाँ पे हम कनेक्शन कर लेंगे और इस दोनों वायर को फिर जो MCB बॉक्स है उसके अंदर लेकर के आएंगे, क्योंकि जो MCB होता है वो हमारा फेज लाइन पे लगाया जाता है। तो MCB बॉक्स में यहाँ पे हम लगा दिए। उसके बाद अब एक वायर का टुकड़ा लेंगे या इसी वायर को हम कट कर देते हैं और कट करने के बाद वायर को छीलते हैं और इसी वायर को यहाँ पे जोड़ लेते हैं, क्योंकि इस MCB बॉक्स में दो MCB लगाएंगे इसलिए ज़रूरी होता है एक वायर को जोड़ लेना, या वायर लंबा है तो उसी को कट करके जोड़ लेना। तो इस वायर को यहाँ छील देते हैं दूसरा वाला छोर। अब यहाँ पे दो हो गया हमारा कनेक्शन करने के लिए पॉइंट। इसके बाद यहाँ पे MCB लेते हैं जो 16 एम्पेयर का है हमारा और यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, फिर हम दूसरा MCB यहाँ पे लेंगे और फिर ये दूसरा पॉइंट कनेक्शन कर लेंगे। तो ये 1x MCB बॉक्स होता है हमारा, इसमें एक और दो MCB लगाया जा सकता है। इसके बाद ये कनेक्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद आते हैं इस साइड। इस साइड इस वायर को छीलते हैं और यहाँ पे एक वायर लिए हैं, जोड़ लेते हैं। इसमें 3 MCB हम लगाने वाले हैं तो 3 लूप बनाना पड़ेगा। फिर इस वायर को कट करते हैं, फिर इसको छील लेते हैं, फिर उसके बाद इस टुकड़ा वायर को लेते हैं और इस वायर को छील करके यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ये दूसरा लूप हो गया और ये लास्ट में हमारा तीसरा लूप हो जाएगा। यहाँ पे 3 MCB 10 एम्पेयर का हम लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा सर्किट है वो 10 एम्पेयर के हिसाब से है। तो यहाँ पे 10 एम्पेयर का हमारा MCB एक ये कनेक्शन हो गया। इसी तरह से दूसरा MCB लेंगे और इसको भी यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। इसी तरह से तीसरा MCB लेंगे और यहाँ पे भी कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे MCB का कनेक्शन हमारा हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक ब्लू कलर का वायर लिए हैं जो 10 mm का है, जो हमारा चेंज ओवर स्विच से आउटपुट हो रहा है न्यूट्रल लाइन के लिए। उसके बाद यहाँ पे अच्छी तरह से वायर कसने के बाद चेंज ओवर स्विच के यहाँ बैक साइड लेंगे इस वायर को, क्योंकि इसमें न्यूट्रल जो भी सर्किट होगा उसका कनेक्शन किया जाएगा। उसके बाद फिर हम दो ग्रीन कलर का वायर लिए हैं और जो आउटपुट हो रहा है वहाँ पे एक एक और स्क्रू है, कसने के लिए जगह दिया गया है। तो यहाँ पे आउटपुट से एक न्यूट्रल एक फेज में कनेक्शन कर लेंगे और इस वायर को यहाँ फिर बैक साइड ले लेते हैं, क्योंकि इस वायर का कनेक्शन हम करेंगे जो ग्रीन कलर का हमारा पैनल इंडिकेटर है। जब चेंज ओवर स्विच हर तरह से लाइन आने के बाद आउटपुट कर जाएगा तो ग्रीन कलर का इंडिकेटर हमारा जलेगा। अब इस बोर्ड को हम लेकर के चलेंगे लगाने के लिए। उससे पहले चेंज ओवर स्विच का जो कवर है यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि चेंज ओवर स्विच में कनेक्शन हमारा कंप्लीट है। तो यहाँ पे इसे लेकर के हम इस बोर्ड पे लगाने वाले हैं। जैसे ये मेन लाइन हमारा गवर्नमेंट का रहा है न्यूट्रल फेज, उसके बाद यहाँ पे हमारा सर्किट वायर है, जैसे न्यूट्रल है हमारा टोटल। उसके बाद ये हमारा फेज है जो MCB में कंट्रोल होगा, रेड येलो, ये बड़ी अर्थ है और ये इन्वर्टर का वायर है जो हम जोड़ करके टेप लगा दिए हैं। अब चलिए हम बोर्ड लेते हैं। बोर्ड में सबसे पहले न्यूट्रल लाइन जो सर्किट है हमारा जितना, उन सबको एक साथ लेते हैं और जोड़ लेते हैं। प्लाई से अच्छी तरह से टाइट करेंगे, किसी भी तरह का लूज नहीं होना चाहिए। और उसके बाद टेप लेंगे और अच्छी तरह से टेप लगाएंगे। टेप में भी कभी किसी तरह का कोताही कमी नहीं करेंगे। यहाँ पे टेप को अच्छी तरह से लगा देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो सर्किट वायर है उसको यहाँ पे डालेंगे, जो 10 एम्पेयर के लिए हमारा रेड कलर का है, तो इसको लेंगे और यहाँ पे जो MCB है इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। जैसे एक MCB में हो गया, इसी तरह से दूसरे में कर लेंगे, इसी तरह से तीसरे में कर लेंगे।
इसके बाद क्या करेंगे, फिर जो दो सर्किट और है येलो कलर का, उसको जो दो एमसीबी हमारा है, जो वन वे एमसीबी बॉक्स है, इसके अंदर लेंगे और यहाँ पे दोनों एमसीबी में कनेक्शन कर लेंगे। इस तरह से हमारा एमसीबी का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, मेन हमारा न्यूट्रल फेस जो इनपुट हो रहा है गवर्नमेंट पावर सप्लाई का, इसको डालेंगे यहाँ पे और किटकैट फ्यूज के अंदर डाल करके अच्छी तरह से कनेक्शन कर लेंगे। किसी भी तरह का कोई भी वायर कहीं पे भी लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हीट होकर के ख़राब हो जाता है, जल जाता है वहाँ पे। तो ये हमारा न्यूट्रल फेस इनपुट हो गया गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई का वायर भी, ठीक है। अब इस बोर्ड को स्क्रू के थ्रू इसको इस बोर्ड पे फिटिंग कर लेंगे। तो चलिए दो स्क्रू को हम सबसे पहले फिटिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी स्क्रू तीन को फिटिंग करेंगे, जैसे एक राइट साइड हो गया, एक लेफ्ट साइड हो गया, और उसके बाद तीन स्क्रू और करेंगे, दो ऊपर और एक नीचे। और उसके बाद जो एमसीबी बॉक्स का कवर है, उस कवर को यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो दोनों एमसीबी बॉक्स का हम कवर भी लगा दिए। उसके बाद हम किटकैट फ्यूज लगाएंगे। किटकैट फ्यूज एक एमएम का वायर छीलने के बाद जो मल्टी स्टैंड होता है उसमें से चार चार वायर लगा दिए हैं, क्योंकि लोड अभी ज़्यादा नहीं है। जब ज़्यादा लोड होगा तो थोड़ा और मोटा लगा सकते हैं। अब चार चार वायर लगाए हैं, आराम से 2 kW लोड हम चला सकते हैं। ज़्यादा लोड रहेगा तो और वायर लगा सकते हैं। ये जनरेटर में अभी इनपुट कनेक्शन नहीं किए हैं, क्योंकि बाहर से करना है, और ये मेन लाइन काम कर रहे हैं तो बोर्ड में भी लाइन आ जाएगा। जैसे किटकैट फ्यूज लगाए यहाँ पे, तो ये देखिए बोर्ड में लाइन आ गया। अब क्या करेंगे, जो चेंज ओवर स्विच है इसको लेफ्ट साइड मोड़ेंगे, तब जाके ग्रीन कलर का हमारा इंडिकेटर जलेगा, राइट साइड में जनरेटर जलेगा। ये देखिए हमारा चल रहा है। एमसीबी को ऑन करते हैं, देखते हैं कोई फॉल्ट हमारा तो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे एमसीबी ऑन हो गया, किसी भी तरह का कोई भी फॉल्ट नहीं है। इस तरह के घर के लिए इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।